हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है नई वीडियो में श्रीलंका सीरीज़ की। और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगती है जो सीरीज़ मैंने बनाई है श्रीलंका की। और आज हम आपको घुमाते हैं गेल सिटी में, जो कि कोलंबो और बेंटोटा के पास है। करीबन 1 आवर की ड्राइव है बेंटोटा से। हम लोग स्टे बेंटोटा में कर रहे हैं और गेल आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। चलो आपको भी घुमाते हैं गेल सिटी। नाम गोल फोर्ट है और ये गोल में है, जो कि बेंटोटा से करीबन 1 घंटे की ड्राइव पे है। 1 घंटे के करीबन 56 किलोमीटर पड़ता है इन टोटल। और हाईवे है यहाँ पे जो श्रीलंका में बनाया हुआ है, उस हाईवे से एक घंटे का पड़ता है। अदरवाइज़ दूर है ये श्रीलंका के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत रहता है और छोटी ही सड़कें भी काफ़ी हैं यहाँ पे। ये हम फोर्ट के अंदर हैं और पोर्चुगीज ने बनाया था इस फोर्ट को, आपको ये दिखा रहा हूँ अंदर से। दिस इज़ रेन ट्री और यहाँ पे ये ट्री है, इसी से सारी जो मैंने आपको पीछे एक बार दिखाई थी कार्विंग करते हुए वुड की, वो इसी ट्री की वुड से बनती है। और ये काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, तो कार्विंग करने में इजी रहता है। इस समय मैं फोर्ट पे हूँ, तो फोर्ट के अंदर ये मार्केट लगी हुई है। यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिल रही है आपको, कई सही चीज़ें देखने को मिलेगी। बट उससे पहले मैं आपको ये पेड़ दिखाता हूँ। गाइस ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है, कितने 100 साल पुराना होगा, कई 100 साल पुराना होगा ये पेड़। बनियन ट्री है ये, देखिए। ये समय हम फोर्ट के अंदर हैं, देख रहे हैं। और सामने जो है ये चर्च है, ये यहाँ पे ज़्यादातर मैरिजेस जो होती हैं क्रिश्चियन मैरिज, वो यहाँ पे किया जाती हैं। और एकदम यूरोपियन स्टाइल फीलिंग आ रही है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो पीछे भी जो मार्केट भी लगी है, ऑलमोस्ट यूरोपियन स्टाइल मार्केट लगी हुई थी, जितने भी वेंडर्स बैठे हुए थे वहाँ पर। और देखिए चर्च की टॉप दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। It's a really nice place. ये एक म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, अंदर जाके एक म्यूज़ियम है, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैं म्यूज़ियम में तो नहीं जा रहा, मेरा टाइम आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम है ये, मैं म्यूज़ियम में तो नहीं जा रहा।
लोगो डच लोगो। यहाँ पे थे मार्केट थी यहाँ पे मार्केट लगी हुई है यूरोपियन स्टाइल की और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा जल्दी से दिखा देता हूँ, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर पेंटिंग बना रखी है। सी thing as say minute to minute things about the logo. ये हम फोर्ट के कॉर्नर पर आए हैं, ये भी तो मेरे को देखना है क्या है। फोर्ट के एकदम कॉर्नर पे आए हम लोग और यहाँ से गाइस व्यूज देखिए, एक रॉक देखिए बिल्कुल बीच में पड़ी है ऐसी जैसे किसी ने ला के रख दी हो अंदर सी के अंदर। पानी भी क्लियर ही है यहाँ पे, देखिए काफ़ी क्लियर पानी है। यहाँ पे देखिए कभी इन्होंने टोप वोप लगाई होगी। व्यू देखिए कितना अच्छा है यहाँ से। ये देखिए गैल फोर्ट से व्यू, वो सामने जो पहाड़ी देख रहे हैं ना आप, ये कहते हैं यहाँ पे हनुमान जी ने जो पर्वत उठाया था उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे है और उसके लिए एविडेंस ले रहे हैं ये लोग। प्लस बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिली हैं जो कि मेडिसिन में यूज़ होती है फ्रॉम दैट माउंटेन। कितना क्रेजी व्यू है यार। वाटर भी काफी क्लियर है यहाँ पे। व्हाट इज दिस? लीची। हम फोर्ट के अंदर ही हैं समय। क्रिकेट मैच इज गोइंग ऑन विद ट्रॉफीज ऑल। ओ आउट। ये फोर्ट के अंदर ही मैच हो रहा है, पूरी जान ठोक दी भाई ने क्योंकि ओह
दिस इज मिलिट्री बेस, ये आप पीछे से देख रहे हैं सारे मिलिट्री बेस है। वो देखिए वहाँ पे खड़े होके मैच भी देख रहे हैं अंदर, इनके जो वॉच हाउस है उसमें से एक ही क्लॉक टावर है अंदर, ये भी फोर्ट के अंदर ही क्लॉक टावर बना हुआ है। सी ये देख रहे हैं आप, ये इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड है और मे भी सब मैचेस हुए हों यहाँ पर। गेल का क्रिकेट क्लब क्या ये पूरा ये है इनका ग्राउंड, यहाँ पे काफ़ी सारे सिटी इंटर सिटी मैचेस भी होते हैं और स्टेट इनके होते हैं, यहाँ पे नेशनल ग्राउंड है इनका। गेल का रेलवे स्टेशन है, गेल रेलवे स्टेशन जस्ट आपके फोर्ट के सामने पड़ता है और यहाँ पे बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है। अभी मैंने आपको घुमाया गेट फोर्ट, इसके बाद हम लोगों ने लंच किया है गेल फोर्ट के अंदर ही, यहाँ पे कई सारे कैफेज बने हुए हैं। उसके बाद हम होटल वापस चले गए रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि लास्ट 5 डेज से हम लोग घूम रहे थे श्रीलंका को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो बीच साइड रिजॉर्ट था, सबका मन था कि बीच साइड बैठ के थोड़ा रिलैक्स किया जाए, तो हम लोगों ने अगले 2 दिन बीच साइड रिजॉर्ट पे रिलैक्स करते हुए बिताए। उसके बाद हम लोग ने फ्लाइट बोर्ड करने के लिए बेंटोटा से कोलंबो वापस गए एयरपोर्ट पर, सुबह 9:30 बजे निकले हैं हम लोग, क्योंकि हाईवे अच्छा है तो हमें करीबन 1.5 घंटा लगा बेंटोटा से कोलंबो जाने के लिए। कोलंबो में हमारी फ़्लाइट थी करीबन 2 बजे की, और रास्ते में बहुत ही प्यारा व्यू देखा जिसे कहते हैं राम सेतु, जो कनेक्ट करता है इंडिया को श्रीलंका के साथ। मैं अभी आपको वो व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है वो व्यू फ्रॉम एयरप्लेन, और आपको दिखाता हूँ श्रीलंका से इंडिया जाते समय ये ब्रिज कैसे लगता है, आप इसको एंजॉय कीजिए। और इस ब्लॉग में बस इतना ही, और साथ में हमारा श्रीलंका सीरीज़ भी ख़त्म होता है, इसके साथ हम आपसे मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे। प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन और उसके रिलेटेड वीडियोस आपको दिखती रहे और आप में से जुड़े रहें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले चैनल को आगे लेके जाने के लिए। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।